हेलो फ्रेंड, वेलकम इन एक्सक्लूसिव मेडिकल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं पीएसएम प्रैक्टिकल की, जो कि थर्ड प्रोफेशनल एमबीबीएस एग्जाम के अंदर ये होता है। पीएसएम प्रैक्टिकल के अंदर बायोस्टेट के न्यूमेरिकल हमसे करवाए जाते हैं और साथ में स्पोर्टिंग भी होता है। तो इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पे स्पोर्टिंग डिस्कस करने वाला हूँ। यहाँ पे मैं 10 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, स्पोर्टिंग में मेनली 5 चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट चैप्टर है वैक्सीनेशन, सेकंड चैप्टर है डेमोग्राफी, थर्ड चैप्टर है न्यूट्रिशन, फोर्थ चैप्टर है मेथड ऑफ बायोमेडिकल वेस्टेज, फिफ्थ चैप्टर है कॉन्ट्रासेप्शन। फ्रेंड्स, आप स्क्रीन पे स्पॉट नंबर फर्स्ट देख रहे हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच कैटेगरी ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट द गिवन स्पोर्ट विल बी कैटेगराइज्ड। सबसे पहले आपको स्पॉट को देख के पता लगाना है कि हमें क्या दिया गया है। तो आप देख रहे हैं कि हमें डिस्पोजेबल निडिल दी गई है और अकॉर्डिंग टू 2017-18 गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ये वाइट कैटेगरी के अंदर आती है और 1998 गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ये फोर्थ कैटेगरी के अंदर आती है। तो अब हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, इन विच कलर बैग विल इट बी कलेक्टेड। तो इसे व्हाइट कलर के बैग के अंदर कलेक्ट किया जाता है। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ इट शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ। तो इसके डिस्पोजेबल के लिए जो हम मेथड काम में लेते हैं वो है ऑटोक्लेविंग फॉलोड बाय श्रेडिंग और एनकैप्सुलेशन फॉलोड बाय लैंडफिल्स एंड सारपिट्स। ये हम इसके डिस्पोजेबल के लिए मेथड काम में लेते हैं। अब हम फ्रेंड्स, आप स्क्रीन पे स्पॉट नंबर 2 देख रहे हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई। तो आपको स्पॉट को देख के पता लगाना है कि हमें क्या दिया गया है। तो हमें स्पॉट में दिया है पोलियो पेशेंट दिया है। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा कॉजिटिव एजेंट। तो पोलियो का जो कॉजिटिव एजेंट होता है वो होता है पैरामिक्सोवायरस। थर्ड क्वेश्चन है हमारा पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी। तो जो पोलियो की जो कम्युनिकेबिलिटी होती है पैरामिक्सोवायरस के द्वारा वो होती है 7 to 10 days। अब हम बात करेंगे स्पॉट नंबर 3 की। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो हमें स्पॉट में देख के पता लगाना है। हमें दिया गया है अबाटे। अबाटे जो होता है ये एक ऑर्गेनोफॉस्फेट होता है। ये एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज को इनहिबिट करता है, पैरालिसिस करता है। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा यूज। तो जो एबेटल जो होता है ये केमिकल कंट्रोल में काम में लिया जाता है मॉस्किटो लार्वा के लिए। तो ये एक तरीके का लार्विसाइडल है। हमारा थर्ड क्वेश्चन है डोज। तो इसका डोज जो होता है वो होता है 56 से लेके 112 ग्राम पर हेक्टेयर, 56 से लेके 112 ग्राम पर हेक्टेयर इसका डोज होता है। अब हम बात करेंगे स्पॉट नंबर 4 की। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई। स्पॉट में हमें दिया गया है मल्टी लोड 375। सेकंड क्वेश्चन है हमारा कॉन्ट्रा इंडिकेशन। तो इसका जो कॉन्ट्रा इंडिकेशन होता है वो होता है पेल्विक इन्फ्लेमेशन और वेजाइनल ब्लीडिंग। थर्ड क्वेश्चन है हमारा फॉर हाउ मेनी ईयर इट इज अप्रूव फॉर यूज। तो इसका आंसर होगा 10 ईयर। अब हम बात करेंगे स्पॉट नंबर 5 की। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फैट कंटेंट ऑफ बफेलो मिल्क। तो इसका आंसर होगा 6.5 ग्राम पर 100 ग्राम। सेकंड क्वेश्चन हमारा विच न्यूट्रिएंट आर डेफिशिएंट। तो इसका आंसर होगा आयरन एंड विटामिन सी। थर्ड क्वेश्चन है हमारा कंपोजिशन ऑफ टोन मिल्क। तो इसका आंसर होगा 3% फैट कंटेंट प्लस 8.5% एस एन एफ कंटेंट। एस एन एफ का मतलब होता है सॉलिड नॉट फैट। अब हम बात करेंगे स्पॉट नंबर 6 की। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आइडेंटिफाई। हमें स्पॉट में देख के पता लगाना है हमें क्या दिया है। तो हमें दिया गया है नियोनेटल टेटनेस चाइल्ड। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है रूट ऑफ ट्रांसमिशन। तो ये जो ट्रांसमिट होता है ये होता है मदर टू चाइल्ड। थर्ड क्वेश्चन है हमारा प्रिवेंशन। तो प्रिवेंशन के लिए, टेटनेस प्रिवेंशन के लिए हमें क्या करना होता है, क्लीन कोड, क्लीन हैंड, क्लीन सरफेस, क्लीन ब्लड और क्लीन स्टैम्प। ये हमें इसके प्रिवेंशन में करना पड़ता है न्यूनेटल टेटनेस के। आप स्क्रीन पे स्पॉट नंबर 7 देख रहे हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द स्पॉट। तो आपको स्पॉट को देख के पता लगाना है कि ये एनाफिलीज है, क्यूलेक्स है या फिर एडीज है। तो आप देख रहे हैं विंग्स और बॉडी पे व्हाइट स्ट्रिप दिया है। तो ये एडीज मच्छर है, साथ में इसको टाइगर मॉस्किटो भी हम बोलते हैं। हमारा सेकेंड क्वेश्चन है डिजीज ट्रांसमिटेड बाय इट। तो ये चिकनगुनिया, डेंगू, येलो फीवर को ट्रांसमिट करता है। थर्ड क्वेश्चन हमारा कंट्रोल मेजर। तो कंट्रोल के लिए हम इसमें डीडीटी, पायराथ्रम और मेलाथियोन भी हम काम में लेते हैं। अब हम बात करेंगे स्पॉट नंबर 8 की। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आइडेंटिफाई। हमें इमेज में देख के पता लगाना है कि हमें क्या दिया है। तो आप देख सकते हैं कि आई के अंदर एक स्पॉट दिखाई दे रहा है जो कि एक बाइकोट स्पॉट है जो कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी के कारण
होता है। तो अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट के लिए हम विटामिन ए की 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट देते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा प्रिवेंशन। प्रिवेंशन के लिए 5 साल से कम के बच्चों को 9 डोज दिया जाता है विटामिन ए का। तो अब हम बात करेंगे स्पॉट नंबर 9 की। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है नेम ऑफ द डायग्राम। जो हमें डायग्राम दिया गया है स्पॉट में वो है लाइन डायग्राम। सेकंड क्वेश्चन है हमारा टू मेन कॉज ऑफ रिडक्शन इन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इन इंडिया। तो इसका आंसर होगा एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग एंड वैक्सीनेशन। थर्ड क्वेश्चन है हमारा टू नेशनल हेल्थ प्रोग्राम रिलेटेड विद इन्फेंट केयर। तो इसका आंसर होगा ICDS और दूसरा होगा IMNCI। अब हम बात करेंगे स्पॉट नंबर 10 की। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इंडिकेशन। तो आप इमेज में देख के पता लगा सकते हैं हमें ह्यूमन रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन दिया गया है। इसका इंडिकेशन होता है कैटेगरी 3 डॉग बाइट। सेकंड क्वेश्चन है हमारा डोज। तो डोज जो होता है इसका 20 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी बॉडी वेट। तो ये इसका डोज होता है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा साइड इफेक्ट। साइड इफेक्ट होता है इसका एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन।